आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 5 बजे, क्योंकि मेरा मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, बट मैंने सोचा ना अपलोड करने से अच्छा है तो कुछ ही बना लेती हूँ। फिर मेरे ट्यूशन के बच्चे आए, मैंने उन्हें पहले बोला था कि मैं उनके साथ बनाऊंगी ब्लॉग और बना नहीं पाया था, तो वो अभी आए हैं और बोले कि दीदी बनाओ बनाओ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बना लेते हैं, तो क्या, तो चलो बनाते हैं ब्लॉग। बकरियों की ढेर जा रही है, इसमें आस्था है, रुंझुन है, खुशी है और पता नहीं दीदी भी है। दीदी है, सबसे बड़ी उजाला है, ये है और ये है और ये है और आप है, आप है, आप है। नहीं मैंने ये खोल दो। क्या हुआ इसमें? कहाँ गए थे? आदित्य के घर क्यों गए थे? ऐसे ही क्यों? कोचिंग पढ़ने गए थे। और ये यूनिफॉर्म चेंज नहीं किए? कल साफ करेंगी। आज क्यों नहीं? तब यही पहन के घूमोगे? और कपड़े नहीं हैं? है। तो ये गंदा हो जाएगा ना, वाइट वाइट सारे हैं, देखो सारी मिट्टी लगा दी, तो कैसे साफ होगा? ये किसी छाप हो जाता है, कपड़े वाले साबुन से साफ हो जाता है। और मिट्टी लगा लो, तब और मिट्टी लगा लो, फिर अच्छे से साफ होगा। टाइट टाइट साफ कर देगा सब। क्या बोले, क्या बोले? नहीं पहले क्या बोले, क्या बोल, नहीं मुझसे बोलो ना, क्या पूछे? खुशी बुआ से क्या पूछ रहे थे? आटो चप्पल चाटू, ये किसने सिखाया तुम्हें? आटो चप्पल, कौन सिखाया तुम्हें ये? हाँ अभी तो बोले स्कूल में सीखा हूँ। दानिश जो 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 कर जो जो रोज रोज करता है। दानिश सिखाया तुम्हें? चलो और एक और सिखाता, आरुष। आरुष भी सिखाता है? हाँ। तुमने स्कूल में यही सब सीखते हो? कचरा अपने देश को कचरा बोलता है। अपने देश को कचरा बोलते हो? ये क्या बोल रहे हो तुम? अंशी क्या खा रही हो? अंशी क्या खा रही हो? मुझे दोगी? इतनी रहम की? अरे वाह, आज अंशी एक बार में ही कैसे दे दी मुझे? ऐसे ही, मैं तुम्हारी बुआ हूँ ना, मैं तुम्हारी प्यारी बुआ हूँ ना। हाँ, आज पहली बार एक बार मांगने पे अंशी ने मुझे नमकीन दे दिया ना। अंशी तुम कितनी अच्छी हो ना। अंशी तोर के दिखाओ, निशान तोर रहा है। देखो निशान करने अभी दिखाता है कि नहीं, तोड़ पाएगा या नहीं? एक और ला, मैंने तो नहीं लगा निशान। जाने दो निशान, जाने तो नहीं होगा तुमसे, साफ बस जान दो। ये लोग पढ़ने आई हैं, देखो ऐसे पढ़ा जाता है। हाँ, इन लोग का भी एग्जाम आ रहा है, मेरा भी एग्जाम आ रहा है, तो हमने डिसाइड किया था कि ग्रुप स्टडी करेंगे सारे मिलके, लेकिन ये लोग आके इधर उधर खेल रही हैं और मेरे से बोल रही हैं कि ब्लॉग बनाओ ब्लॉग बनाओ, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता ना। ब्लॉग बनाने मन लगता है क्या? चलो अब पढ़ने। तो गाइस हम लोग का एग्जाम आ रहा है, तो हम लोग जा रहे पढ़ने। ए चुप रहो, मेरे सारा देश तो यही लोग बोल रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया था कि हम सारे बैठ के साथ में ग्रुप स्टडी करेंगे 5 से 7, 2 घंटे के लिए हमने डिसाइड करा था। बट ये लोग जब से आई हैं तब से मुझे बोल रही है ब्लॉग बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, ये वो सारी चीज़ें बोल रही हैं, बट एक बार भी नहीं बोला कि चलो बैठ के पढ़ते हैं या कुछ। सो अब मुझे ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा क्योंकि मैं बड़ी हूँ इन लोग से। तो अब हम आपसे मिलते हैं इन लोग की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद। अभी टाइम तो अभी टाइम हो रहे हैं 5:30 और हम लोग पढ़ेंगे 7:30। 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर ये लोग जाएंगे अपने घर, फिर मैं करूँगी अपने बाकी सारे काम। तब तक के लिए
बाय बाय, अब चलो अंदर चल के मिलते हैं। सो ये है छात्र लोग का कमरा। ये लोग करें नवोदय की प्रिपरेशन, तो उसके लिए पढ़ेंगी ये भी, और मैं पता नहीं किसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं उसके लिए पढ़ लूंगी अगर मेरा मन करेगा तो।